काफी गानों के शुरू करें। आप सवाल कर रही ना, यू नो मंडे गाना इज अ सॉन्ग। यस, बहुत अच्छा आपने पूछा है कि मंडे इज रिलीजिंग ऑन मंडे। तो मंडे गाना ऐसा है कि जो मैंने अपने दिमाग में इन द लास्ट 10 मंथ्स जो मैंने उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी के देखे हैं, उसमें मैंने सोचा कोई ऐसा गाना बनाया जाए। भी देखो, बहुत अमूमन आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गाने लोग बना रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग मुखड़े अंतरे लव सॉन्ग्स के बन रहे हैं सभी से। लेकिन मैंने बोला अगर मैं कोई लव सॉन्ग सोचूंगा तो इट डज़ नॉट गो विद व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो बहुत सोचता था मैं गाना क्या बनाऊँ, और दिमाग में फिर ये आया मुखड़ा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग पूरे हफ्ते काम करते तो संडे का इंतज़ार करते हैं, क्या संडे, क्या बात है, हॉलीडे। और कभी भी आप नोटिस करो हॉलीडे का बहुत इंतज़ार होता है लोगों को, यार छुट्टी मिल गई, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे दिल से पूछो, जब हर दिन एक छुट्टी हो जाए तो क्या होता है? यानी कि जिस आदमी के पास बहुत काम था, अचानक उस पास काम ना हो। मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं रेडियो शो कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर से मिल रहा हूँ, डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, अचानक काम ना हो। तो संडे, मंडे भी संडे हो गया, ट्यूसडे भी संडे हो गया, वेनसडे भी संडे हो गया, थर्सडे भी संडे हो गया। उस वक्त क्या होता है कि यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क। हम लोग कहते हैं ना मंडे ब्लूज़, ये मंडे ब्लूज़ नहीं है। तो मैंने मुखड़ा सोचा कि मेरे लिए मंडे भगवान है। आप उनके पास पूछो जो सुबह तरसते हैं, काम ढूंढते रहते हैं, तो मुझे काम मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए। तो मैं बार बार हर शो पर कहता हूँ कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नज़र आता है, और आगे है ज़माना फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें दो रोटियों के नीचे। ये लोग जो काम ढूंढते हैं बिटवीन 25 एंड 30, लड़के बहुत आइडेंटिफाई करेंगे मेरे इस गाने से कि वो चाहते हैं उन्हें काम मिले, रोज़ी रोटी मिले। और कभी कभी जिनके पास काम होता है उनको दूसरे दिन बोलते हैं आप काम आपसे निकाले जा रहे हैं, आप काम में नहीं हो, उन पर क्या बीतती। तो यहाँ मेरा मुखड़ा बना, ना कोई काम ना कोई पैसा, ना मेरी लाइफ में चेहरा कतरीना जैसा, ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी, कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा। लाइफ इज अ संडे बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माई मंडे। ये ना हम देखते हैं मंडे जब शुरू होता है लोग काम कर रहे हैं, भाग दौड़ है, सब बिजी हैं, और आप घर पर बैठे हैं। आप सोचो घर पर बैठे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से मुखड़ा बना, आई वॉन्टेड माई सॉन्ग फॉर एवरी यूथ इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई, जो जिनके पास काम था और अचानक बोलते हैं यार अभी काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गई काम नहीं है। अनु मलिक के पास काम था, चलिए काम नहीं है। यहाँ मुखड़ा बना, ना कोई काम ना कोई पैसा, ना मेरी लाइफ में चेहरा कतरीना जैसा, ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी, कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा। लाइफ इज अ संडे बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माय मंडे। मंडे ओ मंडे आ जाना मंडे, आई लव यू मंडे। और फिर क्या कहता है, गुड बाय संडे। तो गाना ये है चेहरा कतरीना जैसा हो। वो आदमी लड़का ये कह रहा है कि मेरे पास काम हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड हो जो बड़ी खूबसूरत हो, और मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपना घर बनाऊँ, अपनी जिंदगी बनाऊँ, और अगर काम ही नहीं है तो सब नहीं हो सकता। और मैंने आगे चलकर भी ये कहा है, ना कोई प्लान ना कोई मीटिंग, ये फोन कब बजेगा, आई एम वेटिंग। और फिर क्या कहता है, काम से ना बढ़ के कोई महबूबा, महबूबा आ जा, माय हार्ट इज बीटिंग। लाइफ इज अ संडे बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माय मंडे। मंडे मींस काम, मंडे मींस भगवान। अनु मलिक इस बात को मानता है, नाउ आई डोंट थिंक एनीथिंग, आई डोंट थिंक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई फील जब आपके पास काम होता है तो शायद आप उसकी इतनी कदर करते नहीं है। जब काम चले जाता है तो आपको अंदाजा होता है कि काम भगवान है। जो हमने सुना था ना कि गॉड इज वर्क, वर्क इज वर्शिप, वो ख्याल अब आया जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने ये गाना बनाया। एंड सर 90s का जो आप म्यूजिक और कलर लेवल पे लेके आए थे, करीना की वॉइस जिसको बोले रेट्रो
रेट्रोस म्यूजिक एंड वी आर मिसिंग योर काइंड ऑफ म्यूजिक. आज के बॉलीवुड में आपके टाइप का म्यूजिक रहा नहीं. देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि 90s का तो आप बात करते हैं, आपने 2000 का बात नहीं किया है. 2000 का जब भी मैंने राइट फ्रॉम अशोका टू मैं हूँ ना टू टू कम्बक देश टू नाव दम लगा के हैशा, जिसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मोमो के धागे गाना बहुत चला, टू माय रीसेंट लास्ट ईयर म्यूजिक 2018 का जो म्यूजिक तेरा चावला गा जैसे कोई घावला गा सुई धागा विद वरुण अनुष्का, तो आई मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेलेडी हो. अब ये जो मैंने गाना गाया, जो इसका रिएक्शन मंडे वाले गाने का इतना माइंड बॉगलिंग रिएक्शन आया फ्रॉम एवरी कॉर्नर, बिकॉज आई थिंक समवेयर द पीपल हैव आइडेंटिफाइड विद द वर्ड्स. ना कोई काम ना कोई पैसा, ना मेरी लाइफ में चेहरा दीपिका जैसा, ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी. अब काम नहीं होता, अभी प्रॉब्लम होता, सीधा भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास. कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा, लाइफ इज अ संडे बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माय मंडे. गिव मी माय मंडे का मतलब है मुझे काम दो. मंडे मतलब कभी नहीं बोलना मंडे ब्लूज, जब सुबह होती है ना तो आप बोलते हैं यार मंडे शुरू हो गया. अरे मजा हॉलीडे का जब आता है, जब आप पूरे हफ्ते काम करते हैं तो संडे का समझ आता है. विदाउट दैट क्या जिंदगी है. काम है तो सब कुछ है, काम है तो जहान है. ओके सर, जैसे कि आपने कहा यू नो कि मोह के धागे के साथ में फिर से आप पेपोन के साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं, उस कोलैबोरेशन के बारे में अगर बताना चाहें. देखिए मैं समझता हूँ कि पेपोन इज अ वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग सिंगर, खास करके मेरे गाने जो उसने गाए हैं मोह के धागे या फिर सुई धागा, और अभी फिर नया गाना गाने वाले हैं फॉर बालाजी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई लव हिज वॉइस. बट जहाँ तक सवाल है मेरे गाने मंडे का, जो मंडे आज मंडे का रिलीज हुआ, आपको अंदाजा है कितना वायरल हो चुका है गाना. यू हैव नो क्लू दैट पीपल हैव बीन फोनिंग मी अप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये आपने सोचा कैसे? ये ख्याल बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये मैंने सोचा. ये आप भी थी द वे यू गो थ्रू योर पेन केम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, एंड माई पेन इज माई सॉन्ग एंड माई सॉन्ग इज माई पेन. करना जब काम नहीं होता है तो काम की कितनी तलब होती है इंसान को, जैसे खाने की तलब होती है जब भूख लगती है ना, उतनी ही तलब इंसान को होती है जब काम नहीं होता. और काम ही सब कुछ है. और मंडे ब्लूज का भी मत बोलो, बोलो मंडे वेलकम हो मंडे. तो जैसे कि आपने कहा यू नो काम नहीं मिल रहा था आप पर जो बीती है उस पे, तो कहीं ना कहीं ये जो दौरान जब यू नो वो दैट इज दौरान था वो, जब आपने गाना लिखा. नहीं दौरान में तो आपने तो इतने मेरे गाने सुने होंगे. बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मुझे मुलाकात की, उसने बोला कि अन्नू जिंदगी में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हम जानते हैं, लेकिन आप किस तरह उसको सर्वाइव करें पता. मैं बोल नहीं यू आर नेवर से डाई एटीट्यूड, बल्कि जब गाना एंड होता है ऐसे नेवर गिव अप. मेरा एक कनेक्ट है हिंदुस्तानी ऑडियंस से, ये गाना का रिएक्शन इज प्रूफ ऑफ व्हाई दे लव मी. दे जस्ट लव मी बिकॉज दे नो ये दिल की बात बोलेगा. एंड व्हाट एवर आई वेंट थ्रू जिंदगी में एक बात मैंने सीखी है, कभी अब यू नो इन योर लाइफ आई डोंट नो वी ऑल हैव अ प्रॉब्लम्स, जिंदगी के अंदर विशियसनेस नहीं होना चाहिए, अंदर जहर मत पालो. मैंने कभी जहर नहीं पाला, मेरे में विंडिक्टिवनेस नहीं है. मैंने काम किया, मैंने किसी को कर्स नहीं किया. अगर आप मेरे पूरे 10 महीने का आप जर्नी देखेंगे कहीं में मुझे बताइए मैंने कुछ बोला कहीं नहीं, क्योंकि अंदर जहर होना नहीं चाहिए. विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए, रिवेंज मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि यू लव ऑल एंड सर्व ऑल. लव ऑल एंड सर्व ऑल का मतलब क्या होता है? सबका भला सोचो और अपने काम में ध्यान दो. मैंने काम में ध्यान दिया, द रिजल्ट इज टुडे दैट पीपल आर सेइंग वाओ. अभी रिसेंटली प्रोमो आया परसों तो मैं भी हैरान हो गया, सीधा सुपरस्टार सिंगर पर मेरा चेहरा आया. तो लोग ने जो फोन करना शुरू किया कि यार वी जस्ट सॉ यू, एक झलकी आई थी, आर यू कमिंग आर यू कमिंग आर यू कमिंग. आई सेड दैट इज कॉल्ड सत्यमेव जयते, दैट्स ऑल आई जस्ट सेड दैट. बट कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट किया आपके? नहीं, आई डोंट थिंक सो. इन फैक्ट माय व्हेन यू हैव योर वाइफ एंड योर टू डॉटर्स सपोर्टिंग यू, डजंट इफेक्ट एट ऑल. द ओनली इफेक्ट वाज आई लव वर्क. मेरे को ना 4 दिन भी काम ना मिले तो कोफ्त हो जाती. मैं लोग कहते हैं हाउ यू सर्वाइव्ड ऑल दीज ईयर्स, ओनली वर्क वर्क एंड वर्क. आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स. मुझे काम चाहिए, मैं काम का भुखारी हूँ. अभी मुझे किसने बोला अन्नू जी आपने सुना बाथरूम में जाके प्रोड्यूसर से गाने पिक्चरें मांगी? मैंने बोला हाँ मैंने से काम ही मांगा है, जान तो नहीं मांगी. तो मैं काम तो कहीं भी मांग लेता हूँ. मैं गाड़ी पर कोई प्रोड्यूसर मिल जाए अरे ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है तो मैं वहाँ गाना सुनाता हूँ. तो सम पीपल लाफ एंड आई हैव नॉट मार्केटेड माई सेल्फ एंड आई डोंट वॉन्ट टू मार्केट माई सेल्फ. मेरे सबसे बड़े फैन थे छोटे छोटे, यू नो स्कूल की बस जब जाती है अनु मलिक अनु मलिक अनु मलिक अनु मलिक, जो बच्चे जब चिल्लाते हैं अनु मलिक, फॉर मी दैट्स माई विक्ट्री.
दैट इज माई मार्केटिंग कि बच्चे मुझे प्यार कर रहे हैं. मुझे ये नहीं, आई डोंट वांट टू हैव थ्री बॉडीगार्ड्स इन द फ्रंट एंड थ्री बॉडीगार्ड्स बिहाइंड. मैं ये भी मानता हूँ कि आज अगर मैं अनु मलिक बना हूँ इट इज बिकॉज ऑफ सरस्वती माँ कृपा एंड ऑल्सो इन द इंडस्ट्री स्टूड बाई मी. अगर आप देखो जितने भी मेरे गाने सुपरहिट हो, जैसे बीवी नंबर वन हो, मैं हूं ना हो, जुड़वा हो, या फिर पेट्रियोटिक फिल्म जैसे जेपी साहब की हो, या फिर हाल ही में जुड़वा आई फिर से आई वरुण की, राइट फ्रॉम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान टू वरुण धवन टू यू नो अभिषेक बच्चन, एवरीवन, दीज आर द ग्रेट एक्टर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड. मतलब मेरा कल्ट स्टेटस बना जब सलमान डिड जुड़वा. सलमान का चेहरा ऑल्सो मेड माई सॉन्ग्स ह्यूज, शाहरुख ऑल्सो मेड माई सॉन्ग्स ह्यूज. टुडे आयुष्मान खुराना कम्स इन दम लगा के आयशा एंड तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, पीपल वेंट मैड. या फिर ये मोह मोह के धागे, पीपल वेंट मैड. सो आई हैव हैड ग्रेट एक्टर्स वर्किंग ऑन माय सॉन्ग्स एंड मेकिंग मी व्हाट आई एम. बट यू नो 90s के टाइम पे इतने हिट्स दिए हैं आपने, उसके बाद भी अभी का अगर हम दौर देखेंगे तो उस दौर से इस दौर तक में बहुत फर्क आया है. चाहे हम बात करें सिंगर की या चाहे हम बात करें गानों की, तो किस तरीके का फर्क आपको, मतलब आप मेरी बात अगर करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम अभी और भी, यू नो देयर आर लॉट ऑफ न्यू कंपोजर्स और बहुत ही कंपोजर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उनके बीच में रहकर मुझे जब यहाँ के और आज के कंपोजर्स फ़ोन करके बोलते हैं यार मोमो के धागे तेरा गाना है. सो दे ग्रू अप ऑन माई म्यूजिक. द यंग कंपोजर ओनली 35, जिनकी उम्र मुझसे 20 साल छोटे. आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, दे आर 30 ईयर्स ओल्ड एंड दिस मोमो के धागे आपका है. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ क्रिएटिवली. And I think that's a huge compliment and I feel very blessed to have that. Balki change atmosphere ho gaya. Hum log live music karte the. Today we work on Logic, Nuendo, Cubase. There are sound producers with a different thought process only. And I like to be in today's time and work with these people. Aur agar main inki soch mein nahi hota, if I start living in the 90s, so I'm sorry to say, you'll not be able to compose music in the 2018s. Abhi jo main music de raha hoon is only because I live for today, I live in the moment. बट कोई एक ऐसा सिंगर जिसके साथ मिलो जो अभी हाल ही में, जो अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स आए, वो कोई एक आपका जो आप जिससे आपको लगता है जो बहुत ही अच्छा सिंगर? आई थिंक देखो यू नो देयर आर सो मेनी पीपल. यू नो आई डोंट नो व्हाई बट आई पर्सनली फील कि जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं दे कमिंग विद देयर ओन फ्लेवर. एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो, बट एक ट्रेंड शुरू हो गया, एक पर्टिकुलर वॉइस के साथ साथ सब आवाज़ें वैसी ही आ रही हैं. थोड़ा हटके आवाज़ आती है ना मेल और फीमेल की तो अच्छा लगता है. देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स एंड इनफैक्ट टुडे द मार्केट इज फ्लडेड विद सिंगर्स. इतने सिंगर्स हैं, बल्कि आप देखो बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज पीपल अपलोडिंग देयर ओन सॉन्ग्स. आजकल तो हमारे गाने भी उठा उठा कर लोग रिमिक्स करते हैं, तो आई डोंट फील बैड अबाउट इट. आई लाइक इट. जो नया जनरेशन है दे गेटिंग टू हियर अ छम्मा छम्मा इन अ डिफरेंट वे. समबडी इज गेटिंग टू हियर काली काली आंखें इन अ डिफरेंट वे, व्हिच इज गुड. ओके सो जैसे कि आपने सुपरस्टार सिंगर की बात करी, यू नो आपने कहा एक झलक लोगों को दिखने, ये मुझे पता नहीं अभी अचानक मेरी झलक दिखी है तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आपसे जानना चाहेंगे बतौर जज आप ज्वाइन करने वाले हैं या एज एन गेस्ट आप जाने वाले हैं? मैं आप इंतजार थोड़ा और इंतजार करिए, यू विल बी एक्साइटेड टू सी इट एंड आई फील के आप लोगों को मजा आएगा. इट्स अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि वहाँ एक तो सिंगर बड़े जबरदस्त हैं, शो इज outstanding. मतलब बल्कि आई एम हुक्ड ऑन द शो. मुझे इतना शो पसंद आता है, मैं क्या बताऊँ. जब अच्छे कलाकार नजर आते हैं, जैसे हमने इंडियन आइडल में बहुत अच्छे कलाकार लाके सामने पेश किए थे, आज सब बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, ये बच्चे भी बहुत पॉपुलर होने वाले इतना पता चलता है. लेकिन यू नो इंडियन आइडल छोड़ के और फिर वापस जब आपको यहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है तो डू यू थिंक दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर यू? इट इज आई वुड मोर देन द वर्ड विक्ट्री, आई वुड यूज द वर्ड, you know the right word is satyamev jayate is a great word which I believe in. When you walk the path of truth, when you walk the path of honesty, and there is a God who looks up and says aiye hum aapka intezar kar rahe hain, wo bolta hai. I think it's a great feeling. Finally at the end of the day you have to be honest to yourself. Yahan ye gana jo bana hai, log bolte hain aap kaam kaise karte hain, आप इतना कैसे कर लेते हैं, कैसे मिल लेते हैं. I said because I believe in God and my work and I believe that when the people called me, अब बोला अनु जी आपका इंतजार हो रहा है. I think it's a great feeling. It's a great feeling that the kids जो वेलकम मिलता है, इस छोटे छोटे बच्चे when they were jumping up taking my name,
आई थिंक दैट वाज अ हाई दैट इज ह्यूज. अब मंडे जब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद कर दिया है तो आगे आगे किस चीज की तैयारी होने वाली है? यू विल बी वेरी हैप्पी. एक और चीज आ रही है व्हिच इज sung by somebody, but आप सुनेंगे तो बहुत पसंद करेंगे. दिस इज अ डिफरेंट टेक. दिस इज अ सॉन्ग विच आई एम डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल ऑफ द एंटायर यूथ ऑफ द कंट्री हू लव्स अनु मलिक, हू अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम. एंड जो रिएक्शन गाने का आया वो तो हद है. बोलता आपने मुखड़ा सोचा कैसे? बोले ये सोचा कैसे? मैंने मुझे पता नहीं कैसे आया कि ना कोई काम है. बोला आपके पास काम नहीं आएगा, आपके भी बहुत अच्छे से मुखड़े आ जाएंगे. आपकी गायब नहीं 90s में आपका फ्रेंड था तो अभी भी आपके सॉन्ग्स के रिमिक्स हो रहे हैं. जब वो रिमिक्स